हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं हमारे लेसन नंबर 10 के बारे में, जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस जानने से पहले हमें टेंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। टेंस का मतलब होता है समय या काल। तो टेंस को मानते हैं हम लोग समय या काल। तो टेंस के मान लेते हैं तीन बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, मौजूदा समय जो चल रहा होता है। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, बीता हुआ समय जो बीत गया है। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यकाल जो आएगा। तो टेंस के तीन बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मान लेते हैं इन तीनों ने शादी की और इनके चार बच्चे हुए। चारों के एक ही नाम हो गए, इंडेफिनेट कंटिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन इनके नाम के साथ इनके बाप का नाम जोड़ा गया, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ऐसे ही सेम इसके भी बच्चे हुए, इसने भी उनके नाम यही रखे, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर का भी यही हुआ, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये चार जो बच्चे हैं, तो इनको हम पढ़ेंगे टेंस के अंदर। आज हम पढ़ेंगे केवल प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। तो आपको आई होप पहले से पता हो कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं, ओके, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इनके पार्ट्स जो हैं हम बाद में पढ़ेंगे। सेंटेंस के बारे में भी हमें कुछ पता होना चाहिए कि जब हम टेंस सीखेंगे तो हमें सेंटेंस भी समझने पड़ेंगे, कितने प्रकार से हम सेंटेंस को बनाते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार या वाक्य के प्रकार। टेंस के साथ साथ सेंटेंस पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के आधार पर हमारे रूल बनेंगे। तो सेंटेंस के चार प्रकार होते हैं, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, साधारण वाक्य। सेकंड, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य जिसके अंदर नहीं आता है। तो डिफरेंस देख लीजिए, जैसे मैं खाना खाता हूँ तो आई ईट, और मैं खाना नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। तो नहीं वाला जो होता है वो नेगेटिव होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य जिसके अंदर क्या आता है, प्रश्न, क्या तुम खाना खाते हो, डू यू ईट फूड। चौथा सेंटेंस है इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक और प्रश्नवाचक, जिसमें क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, क्या तुम खाना नहीं खाते हो, डू यू नॉट ईट फूड। तो जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो ये चार सेंटेंस को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम टेंस सीखेंगे तो यही रूल हमारे काम आने वाले हैं। तो चलिए प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस शुरू करते हैं हम लोग। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का अफर्मेटिव रूल यानी सकारात्मक वाक्य का नियम आज हम पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, जिसकी पहचान है हिंदी के अंदर, लास्ट में किसी वाक्य के अंदर ता है, ती है, ते है आता है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, वह पानी पीती है, तुम क्रिकेट खेलते हो, ऐसे करके। रूल क्या है इंग्लिश में इसका, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे। तो आपने नहीं पढ़ा तो लेसन नंबर 1 पढ़ लेना ग्रामर का। सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट, क्रिया, एक्शन, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। तो ये रूल है इंग्लिश का। तो एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जैसे कि आई, वी, यू, दे, प्लूरल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इनके साथ, और कुछ नहीं आएगा, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा सकते हो अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो। जैसे एक एग्जाम्पल है, हम खेलते हैं, तो वी प्ले, कुछ नहीं करना, हम यानी वी और खेलते हैं, प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ख़त्म। अगर हम क्रिकेट खेलते हैं तो वी प्ले और लास्ट में क्रिकेट और जोड़ देना आप, बस हो गए सेंटेंस। सेकेंड एग्जाम्पल, तुम पढ़ते हो, तो क्या बोलेंगे, तुमको यू और पढ़ने को रीड, तुम पढ़ते हो, यू रीड। अगर तुम किताब पढ़ते हो तो यहाँ पर लास्ट में बुक लगा देना, यू रीड बुक, बस ख़त्म। वे जाते हैं, वे को बोलते हैं दे, और जाने को गो, दे गो। हम कोशिश करते हैं, वी ट्राई, हम कोशिश करते हैं, वी ट्राई। अगर मैं कोशिश करता हूँ तो यहाँ लगा देंगे आई ट्राई, बस कुछ नहीं है सेंटेंस के अंदर। तो
ये तो हो गए आई वी यू दो वाले वाक्य। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जो कि है हमारे दूसरे रूल, ही शी इट नेम सिंगुलर वाले थर्ड पर्सन। इसमें थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, इसमें लिखा भी है, ध्यान दें। वर्ब की फर्स्टों के साथ एस या ई एस आएगा इसके अंदर, ही शी इट नेम आई वी यू दे, ये सारे हमारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन ही शी इट नेम सिंगुलर केवल इनके साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस आएगा, ऊपर वालों के साथ नहीं आया। आपने देखा ऊपर वालों के साथ हमने एस ई एस नहीं लगाया, लेकिन इनके साथ लगाना आवश्यक हो जाएगा। ओके, क्योंकि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखते हैं हम, तो काफ़ी बच्चों को पता भी होगा ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म लगती है, प्लस एस या ई एस भी आएगा वर्ब के साथ। जैसे वह खेलता है ही प्लेज, वह पढ़ती है शी रीड्स, राम जाता है राम गोज, तो एस या ई एस आ रहा है। देखो ऊपर वालों में एस, नीचे वाले में ई एस। अब ये भी समझ रहे हैं एस किसके साथ आएगा, ई एस किसके साथ आएगा। वह कोशिश करता है ही ट्राइज, तो एस आ रहा है, ई एस आ रहा है, आई ई एस आ रहा है, तो ये कैसे लगता है? पहले तो आपके ध्यान रखना ही शी इट नेम के साथ एस या ई एस आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, लेकिन एस कब आएगा और ई एस कब आएगा ये भी जानना जरूरी है। सब में एस आएगा ये मान के चलते हैं। ई एस लगाते वक्त कुछ खास बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। यदि कोई वर्ब के अंत में लास्ट में ओ सी एच एक्स जेड डबल एस एस एच आए, तो ई एस का उपयोग करते हैं। जैसे मैंने बताया था गो, गो में क्या है ई एस, एस क्यों नहीं आया, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है ओ, जैसे गो गोज, तो ही गोज ना कि गो। कैच लास्ट में सी एच आ रहा तो ई एस लगा दिया, वॉश लास्ट में एस एच आ रहा तो ई एस लगा दिया, पास लास्ट में डबल एस आ रहा तो ई एस लगा दिया। तो ऐसे हमें ई एस का उपयोग कर रहे हैं और बाकी सबके साथ एस का उपयोग करना है। यदि किसी वर्ब के अंत में वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन जैसे कि बी सी डी एफ एट्सेट्रा, ये कुछ भी हो, तो आई ई एस का उपयोग करते हैं। जैसे फ्लाई, जैसे ही फ्लाइज, वह उड़ता है, तो वाई हटा के इसमें आई ई एस का उपयोग करना पड़ेगा। वह रोता है ही क्राइज, तो वाई हटा के आई ई एस का उपयोग करना पड़ेगा। वह कोशिश करती है शी ट्राइज, तो वाई हटा के आई ई एस का उपयोग करना पड़ेगा। तो ये वाई के हैं। अगर किसी वर्ब के अंदर वाई आ रहा है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो वाई हटा के आई ई एस का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना नो यूज ऑफ आई ई एस, आई ई एस का उपयोग कभी कभी नहीं करते जब वाई से पहले वोवल्स हो, यानी ए ई आई ओ यू हो, तो आई ई एस का उपयोग नहीं करते। जैसे वह खेलता है ही प्लेज ना कि प्लेज, तो आई ई एस नहीं आएगा, एस ही आएगा, तो ये रूल है। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ हमने एग्जाम्पल बना रखे हैं। अभी अभी आपने रूल पढ़ा अफर्मेटिव का, तो अब अफर्मेटिव के हम लोग एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट्स, जैसे वह एक पत्र लिखता है ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। आपको पता है ही शीट के साथ आई एस आएगा, तो राइट की स्पेलिंग तो आपको पता है, बस हमने एस लगा दिया। ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। वह गाना गाती है शी सिंग्स अ सॉन्ग, तो सिंग के साथ एस लगा दिया, क्योंकि ही शी इट नेम के साथ एस आएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। राजू अपना पार्ट याद करता है, राजू लर्न्स, याद करने को लर्न कहते हैं, एस लगा दिया, राजू लर्न्स हिज लेसन। बारिश होती है तो इट रेन्स, तो बारिश होना रेन होता है, तो इट आएगा। इट का रोल भी आपको सीखना पड़ेगा, कुछ समय बाद मैं आपको बताऊंगा ये कैसे बनते हैं, बारिश होती है तो कैसे बनता है इट रेन्स, ठीक है, एस लगा देंगे लास्ट में। अब मैं हंसता हूँ तो आई लाफ, इसमें एस ई एस नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बताया था ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ एस ई एस आता है, आई वी यू दे प्लूरल के साथ एस ई एस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं आएगा। चांद रात को चमकता है, द मून शाइन्स, तो एस लगा दिया, क्यों लगा दिया, मून सिंगुलर है, द मून शाइन्स एट नाइट, ठीक है। वे मुझे प्यार करते हैं, दे लव मी, तो इसमें एस ई एस नहीं आया।
हम प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट एवरी डे। तो इसमें भी वर्की फर्स्ट हमारी एस नहीं आ रहा, क्योंकि आई के साथ नहीं आता, मैंने बताया आई के साथ नहीं आएगा। ओके, आई वी यू दे, तो ना दे के साथ आएगा, ना वी के साथ आएगा, ना यू के साथ आएगा। हम प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट एवरी डे। तुम सदा सत्य बोलते हो, यू ऑलवेज स्पीक, स्पीक के साथ एस सी एस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यू है, यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो आई होप ये आपको समझ में आया है। तो ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का सिंपल यानी अफर्मेटिव का रूल है। तो चलिए अब हम इसके नेगेटिव रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का नेगेटिव नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है? अब आपको एक टेंशन खत्म हो गई कि आपको एस ई एस लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और कुछ नहीं लगाना है। सब्जेक्ट डज नॉट डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो टेंशन खत्म, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस सी एस अब नहीं आएगा, केवल डू डज आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, जैसे जिन वाक्यों के साथ एस सी एस लगा देते हैं, अब उसमें क्या लगा देना है, डज लगा देना है। ठीक है, डज, डज किसके साथ आएगा, ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ डज आएगा। अब एस सी एस वर्ब के साथ लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ही डू के साथ ई एस लगा दिया है, तो डज बना दिया है, तो एस सी एस अब वर्ब के साथ नहीं आएगी। डू, आई वी यू दे प्लूरल के साथ डू आएगा, ये हमेशा याद रखना। डज ही शीट नेम के साथ आएगा और सिंगुलर के साथ आएगा, और डू आई वी यू दे के साथ आएगा। तो रूल क्या कहता है, ही शी इट नेम सिंगुलर, उसके बाद डज नॉट लगा दो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, फिर ऑब्जेक्ट लगा दो, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और आई वी यू दे प्लूरल के साथ डू नॉट लगा दो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, ऑब्जेक्ट, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेगेटिव सेंटेंस रूल, नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट डज नॉट डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट्स। पहला एग्जाम्पल, वह अपने बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं करता है। तो एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया, वह, ही, डज नॉट, तो डज नॉट आ गया, ओबे यानी आज्ञा का पालन करना, ही डज नॉट ओबे, वह आज्ञा का पालन नहीं करता इसके अपने बड़ों की, एल्डर्स, ही डज नॉट ओबे हिज एल्डर्स। वह गाना नहीं गाती है, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, तो डज आ गया इसके साथ, फिर नॉट के साथ सिंग, अब एस सी एस नहीं आएगा, ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी डज में एस लगा हुआ है। बारिश नहीं होती है, इट डज नॉट रेन, इट डज नॉट रेन, तो ऐसा नहीं आ रहा है रेन के साथ। ठीक है, सुरेश कॉफी नहीं पीता है, सुरेश कॉफी नहीं पीता है, सुरेश डज नॉट टेक कॉफी, सुरेश डज नॉट टेक कॉफी। मैं गंदे वस्त्र नहीं पहनता हूं, तो आई के साथ क्या आएगा, डू नॉट, आई डू नॉट पुट ऑन यानी पहनना, वेयर भी लगा सकते हो, आई डू नॉट पुट ऑन डर्टी क्लोथ्स। हम इकट्ठे स्कूल नहीं जाते हैं, हम इकट्ठे स्कूल नहीं जाते हैं, वी डू नॉट, वी डू नॉट नेगेटिव है, वी डू नॉट गो टू स्कूल टुगेदर, वी डू नॉट गो टू स्कूल टुगेदर। तुम मेरी सहायता नहीं करते हो, यू डू नॉट हेल्प मी, यू डू नॉट हेल्प मी। वे सोते नहीं हैं, दे डू नॉट स्लीप, दे डू नॉट स्लीप, तो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। चलिए अब नेक्स्ट हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। ये हैं कुछ हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक, तो इसका रूल क्या है, बस डू डस पहले लगा देना है, डू और डस पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो पहले डू डस किसके साथ आएगा, आपको पहले ही पता है, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, डज, डज आएगा ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ, और डू आएगा आई वी दे यू प्लूरल के साथ, तो बस आपको इनको पहले लगाना है, तो ये प्रश्नवाचक बन जाएगा। क्या वह फुटबॉल पसंद करता है, डज पहले आएगा, फिर वह के लिए ही, डज ही लाइक फुटबॉल। क्या मैं टीवी देखता हूँ, डू आई वॉच द टेलीविज़न, तो आई के साथ डू आता है, ऊपर लिखा हुआ है।
बस डू पहले लगा देना है प्रश्नवाचक के लिए। डू आई वॉच द टेलीविजन, क्या वह मुझे याद करती है। डज शी मिस मी, डज शी मिस मी, मिस यानी याद करना, डज शी मिस मी। क्या तुम देर से सोते हो, डू यू गो टू बेड लेट, डू यू गो टू बेड लेट। आप स्लीप भी लगा सकते हो, डू यू स्लीप लेट, क्या तुम देर से सोते हो। क्या अर्जुन झूठ बोलता है, डज अर्जुन टेल अ लाई, डज अर्जुन टेल अ लाई, टेल अ लाई यानी झूठ बोलना। क्या हम उसकी सहायता करते हैं, डू वी हेल्प हिम, क्या हम उसकी सहायता करते हैं, डू वी हेल्प हिम। क्या वे घर जाते हैं, डू दे गो होम, क्या वे घर जाते हैं, डू दे गो होम। क्या बारिश होती है, डज इट रेन, क्या बारिश होती है, डज इट रेन। तो ये हमारे प्रश्नवाचक सेंटेंस हो गए। इसके नेगेटिव पढ़ते हैं, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो ये है हमारे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स। इसमें पहले क्या आएगा, डू डस पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। क्या वह यहाँ रहती नहीं है, या क्या वह यहाँ नहीं रहती है, कुछ भी बोल दो आप। तो सबसे पहले डज आएगा, डू डज पहले, तो डज आता है शी के साथ। तो डज शी नॉट लिव हेयर, डज शी नॉट लिव हेयर। क्या पक्षी हवा में उड़ते नहीं हैं, डू द बर्ड्स, अब ज़्यादा है ना बर्ड्स, तो डू आ गया, डू द बर्ड्स नॉट फ्लाई इन द एयर। क्या तुम घर पर नहीं पढ़ते हो, डू यू नॉट रीड एट होम, क्या तुम घर पर नहीं पढ़ते हो, डू यू नॉट रीड एट होम। क्या वह गाना नहीं गाता है, डज ही नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो आप देख रहे हो सब्जेक्ट के जस्ट बगल में ही नॉट रखा जाता है, जहाँ भी रेड है देखो सब्जेक्ट आ रहा है उसके बगल में नॉट, तो सब्जेक्ट ही शी इट नेम आई वी देखिए इनके बगल में ही नॉट रखा जाता है। क्या वे बच्चों को डांटते नहीं हैं, डू दे नॉट स्कॉल्ड चिल्ड्रन। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसमें हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव ये सब सीख लिया है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए।